नमस्कार, स्वागतम, हेलो एंड वेलकम। लास्ट माइल अप्रोच के इस यूट्यूब हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं 26 जनवरी 2022 के टॉप 8 करंट अफेयर। पहला प्रश्न, पनामा जंगल में वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई वर्षा मेढक या रेन फ्रॉग की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन बी रानी विक्टोरिया, ऑप्शन सी स्वामीनाथन, ऑप्शन डी ब्रिटनी स्पीयर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर वर्षा मेढक या रेन फ्रॉग की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य ने भारत का पहला ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी कर्नाटका ने ABGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्लोबल टाइगर फोरम की मदद से किस देश द्वारा हाल ही में बाघ संरक्षण पर चौथा एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन या फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी थाईलैंड। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए मलेशिया की कुआलालंपुर में ग्लोबल टाइगर फोरम की मदद से फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। किन दो राज्य सरकारों ने यमुना पार या और यमुनानगर जिले के आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता किया जो पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ने मिलकर आदि बद्री में एक बांध बनाने के लिए समझौता किया है जो पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बन गया है या कौन है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी युगांडा। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ककड़ी और खीरा निर्यातक देश बन गया है। छठवां प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने को अंतिम मंजूरी दी है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन बी कर्नाटका में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। सातवां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में विश्व को कितनी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 4। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए 2022 में विश्व को 5 आपदाओं का सामना करना पड़ेगा UN की नई रिपोर्ट के अनुसार। और हमारा आठवां प्रश्न है, किस राज्य के पुलिस ने ऑपरेशन सजग शुरू किया है? ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, गुजरात पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस। और इसका सही विकल्प है ऑप्शन ए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन सजग वेस्ट दिल्ली में स्टार्ट किया है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑफ आवर लास्ट माइल अप्रोच यूट्यूब हिंदी चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव।